दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बेहद छोटे हैं और वहाँ की आबादी भी बहुत कम है। वैसे तो यूरोप महाद्वीप में स्थित वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? जी हाँ, हिंद महासागर में स्थित यह देश बेहद ही खूबसूरत है। यह श्रीलंका से करीब 983 किलोमीटर जबकि भारत के लक्षद्वीप से करीब 793 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देश का नाम मालदीव है। साल 1965 में इसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। सबसे पहले भारत ने ही देश को मान्यता दी थी। 11 नवंबर 1968 को यहाँ 853 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर मालदीव को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। यह जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही मामले में एशिया का सबसे छोटा देश है। 2016 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी लगभग 4,28,000 है। असल में मालदीव एक द्वीप समूह है। यहाँ कुल 1192 टापू हैं, जिनमें से सिर्फ 200 टापुओं पर ही स्थानीय लोग रहते हैं, जबकि कुछ टापू सैलानियों के लिए हैं, जहाँ खूबसूरत रिजॉर्ट और होटल बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर साल करीब 6 लाख सैलानी घूमने आते हैं। मालदीव मुस्लिम देश है, हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक यह देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ यह पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। मालदीव पृथ्वी पर मौजूद सभी द्वीपीय देशों में से सबसे नीचे स्थित है। यह समुद्र तल से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर कभी सुनामी आई तो इस देश के डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में ही आयोजित की गई थी।